प्रभु पाने के लिए मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसे तुम पा सकते हो। अगर मनुष्य जीवन पाकर उसको नहीं पाया जन्म बर्बाद चला गया। जिनकी अंतरिष्ठाओं मेरा आस्था जो प्रभु के पाने की होती है वो यही कहते हैं कि भाई अगर तू नहीं मिला तो क्या मिला, जीवन बर्बाद जा रहा है। श्री साहब फरमाते हैं कि मुझे ये अगर मालूम होता कि ऐसी बिरा के दुख होता है तो माता जिसमें मैं पैदा हुआ था क्या अच्छा होती कि नाला कटने की वजह मेरी गर्दन काट ली ताकि मैं इतने दुख को न चाहे। अगर मुझे जीवन पाकर प्रभु नहीं मिला इंसान को प्रभु को पाकर ही सुखी हो सके, कारण इंसान चेतन स्वरूप है। चेतन को अगर सुख हो सकता है तो महाचेतन प्रभु के साथ जुड़ने ही चाहिए। दुनिया और जिन्हें हमको सुख नजर आ रहे हैं ये सब दुख का रूप है। जितना सुख है उतना ही दुख में बदल जाता, कितनी देर सुखी प्रतीत करता है जितनी देर ये उससे जुड़ा रहता है। या तो उसकी उससे हटती है उखड़ती है कहा, या वो चीज उसकी नजर से ओझल होती है ये दुखी हो जाता है। जो हमेशा के सुख को पाना चाहता है वो क्या करे। हम महापुरुष कहते हैं जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। हम देखिए क्यों ये नाशवान चीजें हैं प्रभु, हमारी सोच तो इसमें जकड़ी पड़ी है। तू अब नाशी है, जो नाशवान में लगा पड़ा वो अब नाशी से कैसे जुड़ेगा। इधर से हट करो मैं लगाना हूं और कहां पर परमात्मा कहां मिलता। कई भाई कहां कहीं तलाश करते हैं, लेकिन ग्रंथ पोथियों में तलाश कर रहे हैं। अरे भाई ग्रंथों पोथियों में उन महापुरुषों के ज्ञानात है जिन्होंने प्रभु को पाया है, कैसे पाया है, पाकर क्या कुछ मिला, कौन सी चीजें रुकावट बनी, इन बातों का जिक्र है। वही धर्म पुष्ट के कहते हैं वो कहाँ है, घट घट में हर चीज तुम्हारे जो चीज जहाँ है वही मिलेगी ना। बस तो कहीं कहीं पहाड़ों उजाड़ों जंगलों के दियाबानों में पहाड़ों के समुद्रों में दरियाओं के तटों पर तलाश करते हैं, परंतु वहां जाकर भी आखिर कहां मिलता है। पहाड़ी जगह कौन सी ऐसी जगह जहां वो ने ऑल इज होली योर डिवोशन नहीं हो सारी दुनिया एक जगह सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास जहां बल्कि महासमत खाते को वही हर जगह पित्र बोलो अनुभव के पाने का। तो सारे महापुरुष ये कहते हैं करे भाई वो तुम्हारी आत्म की आप बस तू कहीं ढूंढे कहीं के विदाए हाथ चीज तो कहीं और हो, आप उसको किसी और जगह तलाश करो फिर वो कैसे मिलेगी आपको। वो अविनाशी है, सबका जीवन आ रहा है, अति सूक्ष्म और अगम है। अब जब तक तुम भी उसी लेवल पर ना पहुंचे उसको कैसे पा सकते। तो कबीर साहब फरमाते हैं कहे कबीर तब पाइए जो भेदी दीजिए था, कि जो इकरार से वाकफ है उसके साथ मिलो तुमको मिल जाएगा। अगर ऐसा ऐसा भेदी मिलना भी बड़ा मुश्किल नहीं है। ज्यादातर लोग आपको यही कहेंगे भाई अपरा विद्या के साथ किए जाओ बस तुम्हारी चल जाएगा प्रभु को पाना। अरे भाई प्रभु का पाना नहीं, प्रभु के पाने के लिए जमीन का बनाना ग्रंथों पोथियों को करो एक समझ आएगी। फलाना महात्मा ये कहता फलाना ये कहता फलाना ये कहता फलाना ये कहता शौक बढ़ेगा पाने तो कुछ और है। पूजा पाठ एक तरीके से जो दूसरे से हर समाज में अपने अपनी बराबर है उनके करने से मतलब भाव भक्ति का बढ़ना, इन दो चीजों के उपजाने के लिए ये सब कुछ है। अपरा विद्या के साथ इनसे प्राप्ति नहीं, प्राप्ति के लिए जमीन है कि तैयारी है कहा पाना कहां है। दुनिया बड़ी भूल में जा रही है, यही तो यही समस्या बस पढ़े जाओ खाली पढ़ना, इसमें शक नहीं पहला कर्म है इसे छोड़ना नहीं। अभी महापुरुषों की बानी पढ़ रहे हैं
पेश कर रहे थे। पढ़ने से कहते समझो वो क्या कह रहे हैं। जो तलाश हमको है वो तलाश हमेशा से रही है लोगों को। जिन्होंने पाया उन्होंने जो देश की बदकरा में मजबूर के मुताबिक तो फरमाए वो हमारे पास मौजूद मेरे शास्त्र जी के गुण जिनको पोते जी के गुण इनको गौर से पढ़ो सोचो विचार इसमें क्या थे। आप किसी नतीजे पर पहुंचोगे सब हाथों कहते परमात्मा तुम्हारे अंतर में है परिपूर्ण मगर तुम्हारी आत्मा की भी आत्मा है। वो दृष्ट और गोचर है जब तक आप एक दूचा हो किसूचे को जाए हो तो अगर राजदार वापस मिल जाएगा तो कोट जन्म का पंच तक पल में पक जाएगा। बात सारी उम्र भटकते रहो बराबर पढ़िए जेते बस बस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेती आज या पढ़िए जेते साथ नानक लेखा एक गल हो इसे ये बरादरी पढ़ना नहीं चाहिए। पढ़ने का मतलब हर चीज की कीमत है ना। किसी की कीमत पीतल है किसी की कीमत चांदी है किसी का कीमत सोना है किसी की हीरे ज्वारा है। तो पढ़ना लिखना विचारना भाव भक्ति को उपजाने के लिए शौक बढ़ाने के लिए है ये पहला कदम। मगर जिस बात की तलकीन हमें तालीम उससे मिलती है उस बात मैं कहता हूँ एक मिसाल के तौर पर दो मालिक है एक आमों का दरख्त है बहुत सारा बाग में लगे हैं एक एक घंटा दोनों को मिलता दो आदमी एक जाकर वो गिनता है इसमें कितने दरख्त हैं दरख्तों में कितनी शाखे हैं शाखों में कितने पत्ते टहनियां लगी हैं टहनियों में छोटियों में कितने पत्ते लगे हैं पत्तों में कितने फल हैं वो दिमाग सोजी करता गिनती गिनती करती घंटा खत्म हो जाते बाहर आने पर एक और जाकर सस्ती देखता भी है बाप की चीज क्या है देखता है इसको कुछ पड़ा है ये क्या है एक भी तोड़ कर खाता है दो भी खाता है खूब महसूस होता है खुश है दोनों का वक्त पूरा हो गया बताओ फायदे में कौन सा ये कैसे पड़ेगा ना जो फल को खाएगा। अरे वो दूसरे पोथी को पढ़ो खाली पढ़ने में काम नहीं होगा दिमाग सोजी से ये काम न कभी पूरा हुआ न हो सके। वृद्ध आदमी को मनुष्य कहता है कि उस प्रभु को बुद्धि के ग्रास में लाना इतना ही नामुमकिन है जितना दो मिसालें देते हैं जितना शराब के पीने से प्यास का बुझना नामुमकिन जैसे रेत में से तेल का निकालना नामुमकिन। अरे भाई आजमाई बात को जो फिर आजमाए वो बेवकूफ ऐसे नहीं कन्फ्यूशियस ने ये देखकर कि उनका महात्मा हुआ कि ये बात तो बुद्धि के दायरे में आ रही थी इसे छोड़ ही दो चलो सदा जा रही है तो मेरे अर्ज करने का मतलब है आप किसी समाज में रहो फल खाने की जाओ समझे जिसने फल खा लिया उसका पूरे जीवन सफल हो गया। समाज में हम दाखिल हुए थे इसी फल के पाने के लिए मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा फल क्या है प्रभु प्राप्ति जल मन का खत्म होना। तो जिस समाज में भी हो महापुरुष हर समाज में आए यानी कि एक समाज में दूसरे के लिए दरवाजा बंद न रहे समाज हम लोगों ने बनाई है इसका मतलब था उनकी भी जरूरत है रहो किसी समाज में किसी समाज में रहना एक बरकत मगर उस समाज में दाखिल होने की जो गर्ज है अगर वो न मिले तो जन्म बर्बाद कर इसलिए संतों का नजरिया कुछ और सामाजिक नजर नहीं सब समाज में उनको क्या क्योंकि सब आत्मनिर्धारित वो रोना वो रो रहे हैं जो हर एक इंसान का रोना जो हर एक समाज के सामने उसे हम भूल गए। ऐसे जाने के लिए मैंने अभी अर्ज किया था कि दो किस्म के फकीर हैं एक दर्जात पिछली के एक दर्जात उलवी के हर एक आपको अपनी जगह मुबारक है संतों की तालीम दर्जात पिछली की नहीं दर्जात उलवी के ये शब्द आपके सामने आ रहा है कभी था तो गौर से सुनिए क्योंकि खुद लूबी से इस सारे सिरसे को नीचे से लेकर ऊपर तक ब्राह्मण पार ब्राह्मण के पार तक का जिक्र करते गौर से सुनिए वो क्या फरमा तार नैनो दीदार महल में प्यारा है का
दीदार महल में प्यारा है। क्या भाई तुझे प्रभु की तलाश है, तू उसको देखना चाहता तो कहाँ मिलेगा? क्या इस महल में जिसको तुम रह रहे हो, इसी महल में वो बस रहा है, इसी में तुम भी बस रहे। एकार संगत एकित गिराए बसते मिल बात न करते भाई। एक ही संगत में, एक ही घर में दो वर्ण आत्मा और परमात्मा रह रहे हैं, मतलब तो आप तो बात कीजिए है। हम में तलाश करते हो बाहर, सारी उम्र करते रहो तो ही मिलेंगे। तो कहते हैं तू उसके अपनी आंखों से दीदार कर, कर नैनो दीदार, अपनी आंखों से दीदार कर। कहां पार कर दी थी महल में, बाद में तो उसको पाना है। ये हमारा आदर्श है, सब महापुरुष ने यही ध्यान किया। मैं कहां पर कहते इसी महल में, जिसने यही हरि मंदिर है, यही शरीर हरि मंदिर, जिसे शक्ति की ज्योत, जिसे परमात्मा की ज्योति जगमगा रहे, इसे तुम भी बस रहे हो, प्रभु भी बस रहे। अरे मैं ज्योति जहां गई मिलेगी, तो कहते फिर आंख खोल हो गए सर, बाहर नहीं अंतर में। तो सारे महापुरुष नहीं क्या क्यों सबने साफ प्रभाव विवाद विवाद प्रत्यक्ष में शर्मा की चाहिए अपनी आंखों से उसको देख। कलाम शराब गोशिया खुद से नहीं देते, अपने कानों से उसके कलाम को सुनते। कहते कहां पर नेहा अंदर नेहा बीनत जमालिश, अंधेरा है अंधेरे के पार चलो उसके जमाल नजर आएगा। कैसे अनहिस्से नेहा अहम पुनः कमाल, जो हिस्सी ताकत तुम्हें है ना सोच या आत्म, उससे तुम इस कहानी नहीं करोगे या अंधेरे के पार चलोगे। यही तो किसान सुना है, पुतली में तिल तिल में भरा राजे कुल का कुल, ये पुतली इसमें तिल है तो कुल का राज भरा पड़ा है। आंख बंद तो अंधेरा है ना, इस पर्दा इश्तिहार से जरा पार दे, पहली पेट करो इस अंधेरे से। सब दुनिया इस अंधेरे में बैठे, सब ज्ञान चहन करती है, लेक्चर कथा ज्ञान ग्रंथाकार बनते हुए भी, समाजों के साधन करती हुई भी अंधेरे ही बैठे, अंधेरे से पार नहीं। गीता में भगवान जी क्या फरमाते, दो मार्ग हैं, एक पितृयान पंथ है, एक देवयान पंथ। पितृयान पंथ कर्म कांड का है, इसमें शुरुआती जाती रहे। देवयान पंथ ज्योति का मार्ग है, जो उसमें रू जाए वो वापस नहीं है, जो विद्या में है वो मरकर अंधकार लोगों में जाएंगे, जो विद्या में रत है जिनकी बुद्धि बहुत फैलाओ मैं वो उनसे भी ज्यादा अंधकार लगूंगी। तो आंख का खुलना अपनी आंखों से देखेंगे हमारा आदर्श है। राइट से कहा आए जाते विंडो राशि सौ लांग से जिसकी खिड़की है जिसे रूबा ध्यान की इस बैन आई भी सिंगल लाइन होल बारी चाल भी खुला लाइट। अगर तुम्हारी एक आंख बन जाए तो तुम्हारे अंतर ज्योति का विकास है। परमात्मा ज्योति स्वरूप है ना, अगर ज्योति का विकास हो जाए और प्रणव की धुनि जारी हो जाए, तुम्हारे कान उसको सुनने भी लग जाए और आंख खुल जाए जिससे वो नजर भी आता हो, तो ज्योति कल्याण हो जाए। परमात्मा को पाने के लिए यही एक रास्ता है, वे बैक टू गॉड, ज्योति मार्ग और श्रुति मार्ग। ये विकास कहाँ होता है? ज्योति का विकास नीति चक्रों में भी होता है, याद रखो, मगर प्रणव की धुनि नहीं, इन्हों के घाट के ऊपर आना ये पहला कर। इसीलिए स्नातनी भाइयों बड़ी ताकीद की है, जीते जी दीव अमरता जाना चाहिए, नहीं तो बेगता बन जाए। बड़ी आनी थी रसम अधीर है, रसमी रसम राय जी दीवा से जगह क्या बन रस बात की है। तो कहते हैं यारे भाई जिसकी तू तलाश कर रहे हो तो तुझी इसी माल में जो तुम लिए फिर रहे हो, शरीर हरी मंदिर है जिससे शक्ति की जोत, मगर आंख से खोल और दे, वो आंख है जिसे वो नजर आ सकती, वो कौन सी आंख है?
तो महापुरुष ने इसका जिक्र किया, भगवान कृष्ण जी फरमाते हैं तुम मुझको इन चमड़े की आंखों से नहीं देख सकते, बल्कि इस चीज से जो मैंने तुमको बख्शी। गुरु की हैसियत में फरमा रहे हैं, गुरु वो आंख देता है, वो खोलता है जो दिल की क्यों है, उसको कुछ बंद है लेकिन क्या है उसको हटाता है, जो हटाता है सोच के नाम गुरु जो मेरे में प्रकाश कर। आपको बहुत महत्व मिलेंगे, हजारों साथ बाहर अपना विजय के बतलाएंगे, अंधेरे को जीवन नहीं करते। दर्जे बदर्जे हमारे दिल में सब महात्माओं के लिए कदर है, मगर जिससे जन्म मन की एंड होना है, खत्म होना है, वो नहीं आने जाने का। आखिर कृष्ण तो कर्मकांड कर दिया है ना, गुरी आ जाएगी सब महापुरुष जहां खत्म हो। जब तक हम इंद्रियों के घाट के ऊपर आते उस ज्योति का विकास नहीं होता, प्रणु की धुनी नहीं जा रही होती, काम नहीं। गुरुमान साहब से पूछा गया महाराज तुम कहते हो कि वो आगे भी लगा है, नाने का पाचा दिश जाए अफेर हमें क्यों नहीं नजर आता। भगवान कहते नानक से अखरियां बेहन, से अखरियां बेहन, ये आंखें वो नहीं, वो और आंखें हैं जिन दिश लो मात्र जिसे वो नजर आता। वो कौन सी आंख समझ अंधेरे डर की खबर न पाए इंसान से जो इनके अंदर के पास जाता इंद्रियों के घाट बैठा हो सारी उम्र साधन करता रहता, यानी कि चक्रों में बैठा रहता। मौत के समय रूप से मित्र अंक की पीछे आती है, जो नीचे चक्रों में लगे गए तो नहीं कॉमन सेंस बात। तो वहां पर सारे दिन जो दरिया तो ली तो फकीर उठा है तुमको सूप लिया थोड़े पिंचर होता जब चेतन को अलग करते बॉडी कॉन्शियस से ऊपर लाने की समर्था रखते है, जो आता उसको पहले दिन यही शब्द देते उसी रोज में कमाई करने जो लग जाए गुरु मुखाद जाए नहीं। कभी साहब फरमा रहे हैं अरे भाई तुम प्रभु की तलाश में हो अपनी आंखों से उसे देखने चाहिए, कहां पर देखोगे कहते इसी महल में बाहर में सारे महापुरुष। कभी साहब ने एक जगह फरमाया हज काबा हो जाए बा आगे मिले खुदा, जब मैं हज का करने को गया रस्ते में खुदा मिल गया मुझे, कहने लगा साई मुझ तो लर पर लड़ने लग गया तुम किन फरमाएगा, तुमने किसने कहा कि मैं यहां बस हूं, मैं तो तुझ मैं हर जाई हूं, मैं यहां को बैठने और कैद में तो मिल सारे महापुरुष यही कहते मतलब है कि अगर तुमने प्रभु को पाना है कहां पाओगे इस महल में अंत बार जब नहीं कहां पर वह दृश्य और अगोचर है, जब तक आप उसी लेवल में नहीं आओगे नहीं देख सकोगे। हम लोग सवाल करते हैं अगर परमात्मा तो घड़ी को उठा को यहां से यहां रख दे अरे भाई ये स्थूल है वो सूक्ष्म है, उसी लेवल पर आप जाओगे तो देखोगे ये हवा है, हवा में हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, क्या हवा में कुछ नहीं है तो कैसे, मगर वो सूक्ष्म है हमारी आंख स्थूल है, या वो चीज जो हवा में सूक्ष्म में इतनी बड़ी हो जाए मैग्नीफाई हो जाए कि हमारी आंख के लेवल में आ जाए, या हमारी आंख इतनी सूक्ष्म भी हो जाए कि उसके लेवल में से फिर नजर आने खुदबीन के आले से देखे कीड़े मकौड़े भरे नजर आए वो सब नहीं नजर आए। तो जिनकी वो आंख होती वो कहते हैं सारे जगह वही ये जग सच्चे की है कोठरी सच्चे का विश्वास, हर एक जगह ही कौन सी ऐसी जगह जहां पर वो देखे संसारे देते जैसे मछली पानी में तैर रही है उसी में हमारी बीइंग उसी के आधार पर है, मैंने उसी को हम तलाश करें। जल में नींद प्यासी ये देख मोया रहा है, मछली पानी में रह रही है कहती है पानी का कहती ये देख रहा है हंसी आती किन लोगों को जिनकी हंस भी। तो पहली बात जो प्रभु के पाना चाहते हैं वो कहां तलाश करें वो अति सूची उस लेवल पर आए किन आंखों से कहते अपनी ओर कहां पर इसी महल। अब इस महल की ये अजीबो गरीब मकान है जिसमें हम रह रहे हैं मंडल पड़ा उसमें लिवे समझे, जो ब्राह्मण सोई पिंडे जो खोजे सुपा है मैक्रोकाजम में जिंदगी माइक्रोकाजम आज में शरीर आज में कभी कह नमूना
ये अजीब मकान है जिसको खंड ब्रह्म बनते हैं। कभी हमने इसके अंदर दखल हासिल किया, पता है जिसम का रूप ले बैठते हैं, जो कि घाट पर बाहर मुखी हुए बैठते हैं, पता ही नहीं इसमें क्या मुमकिनात हैं, बड़ी भारी मुमकिनात। क्या मैं जमशेद था, जमशेद एक बादशाह हुआ, उसने एक प्याला बनाया था, उसमें ये खासियत थी कि उसको जो चीज इस दुनिया की देखने क्या लग जाती। अरे भाई ये उल्टा प्याला जो लगा ना सिर का, ये ऐसा है, ये पिंड नुमा भी है, अन्न नुमा भी है, ब्राह्मण नुमा भी है, पार ब्राह्मण नुमा भी है और सत्खंड नुमा भी है। सिर्फ इसे कैसे एंटर होना है सवाल के लिए। तो मनोजीवन बड़ा ऊंचा जी, परमात्मा के बाद दूसरा दर्जा इंसान को है। बादर सोला तो ही समझता क्रांति में जिक्र आता है, जब इंसान को पुतला बनाया गया तो कृष्ण को हुक्म दिया इसको सही जाकर, जिस देही को सिमरे देव सो देही पाज हर की, जिस मुनि जीवन की देही पाने को देवी और देव से भी तरसते हैं वो हमको मिली। क्यों? इसमें तुम ये अनरेवल कर सकते हो, प्रभु को पा सकते और किसी योनि में देवी देव से भी अगर उसको पाना चाहते हैं तो मनुष्य जीवन भारी, लेकिन भारी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमको मिली है मनुष्य जीवन पाने की। जो काम क्या करना था उसे तो देवी कुछ किया है तो और सामानों में लगे, अंत समय आ जाता है इंसान अपने आदत के ना पाकर पछताकर चल जाए, दो आंसू भाता होता है। तो कभी सा पहले शुरू में कहते हैं आंखों से देखो उस प्रभु को, कहां पर किसी महल में, वो आंख कौन सी उन्होंने अभी हाजी किया, वो सिंगल आई है, वो शिव नेत्र है, वो दिव्य चिक्षु है, वो लेटिंट आई है जो सबके अंतर और बन। इस राह से लोग बहुत कम वाकफ हैं, इसलिए इस मजमून को छेड़ते ही नहीं। इंटेलेक्चुअल बुद्धि के लिहाज से कई तफसीरें करेंगे, लेक्चर देंगे, ग्रंथ पोथी सुनाएंगे, इस राह से न वाकफ है न देखते। तो जितना वो काम कर रहे हैं उनके लिए हमारे दिल में इज्जत मरा की के चुनाव जो प्रभु को पाना चाहता है उसे तो भाई नजर आने से लेने वाला क्या है मुझे कुछ नहीं। अब इस महल में दाखिल होने के स्टेजेस ध्यान करेंगे, उसके देखने के लिए कौन सा लाजमा है ये ध्यान करके फिर सब इस महल का सब ध्यान करेंगे अचार्य दे देकर। क्योंकि मजमून तो बड़ा लंबा पता, हम थोड़ा थोड़ा ध्यान करेंगे थोड़ा उससे सुनिए। कर्म को दान माल में प्यारा है, काम क्रोध मद लोभ विसारो, शील संतोष क्षमा सत धारो। तो परमात्मा की पित्र है, उसके पाने के लिए हमें भी पित्र आते हैं, जिसके हृदय मैल आंसू नहीं पा मोदी एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन प्रभु के पाने के लिए पहला जीवन, इसी सब समाजों में सब महापुरुषों ने इस बात पर जोर दिया है कि जीवन को नेक पाक। नानक नाव खुदाए का दिल रखे मुखले नाम सारे, जिसके हृदय मैला है, जिसे लोगों का खून बिखरा पड़ा, दूसरे की बड़ाई बस रही, दूसरे से नफरत है, दूसरे के गले काटना, खून बिखरने पर, अरे भाई ऐसे हृदय में प्रभु कैसी बात। तो हृदय की सफाई कहो यम नेम की आसन कहो इसीलिए बनाए, सदाचारी जीवन बनाना कहो एक फोल्ड पास जो महात्मा बुद्ध ने पेश किया वो इसी रंग के लिए था, पांच व्रत जो जैन धर्म के वो इसी रंग के लिए, जो सर्वनाम जी मऊ क्राइस्ट ने दिया वो इसी रंग के लिए। तो सदाचारी पहला जीवन, जिस हृदय में ये चीजें बट रहे थे सदाचार में थे वहां परमात्मा। अब खोल कर समझाते हैं क्या कहते हैं, कैसे काम काम आपको पता वैसे तो बड़ी भारी तारीफ की गई, जेती मन की कल्पना काम कहा।
जिन्नी कल्पनाएं मनवती ये सब काम है, मगर दम से की रक्षा आत्मसूस कर लक्ष्य जिसको कर इसको बस न करो, इसको निवारण राइट चीज करो, कंट्रोल करो। ब्रह्मचर्य की रक्षा जिंदगी है, इसका पाठ करना माफ। जैसे जमीन मकान हो उसकी बुनियाद भी खराब हो तो नहीं देना चाहिए। जिस इंसान का ब्रह्मचर्य कायम नहीं प्यालात योग सकता वहां पर जहां काम एक नाम न है, जहां नाम में काम दो एक जानना बसते हैं रब रजनी। जहां पर काम है वहां नाम में काम करो नीचे की तरफ, नाम करो तो ये धरती पर। नाम कहते हैं परिपूर्ण परमात्मा को, नाम के धारे खंड ब्रह्म। नाम वो ताकत है जो सब खंड ब्रह्मों को धार रहे, जिसमें ये सब कुछ हो रहा। कहते वो कहां है अदृश्य अगोचर नाम अपारा अतर अतिशय। वो बाईस दृष्टि का मजबूत नहीं, अंतर्मुख होना पड़ेगा और इंद्र के घाट से ऊपर आना पड़ेगा। अगोचर बड़ा प्यारा बड़ा मीठा है, वो परिपूर्ण परमात्मा को अगर पाना होगा तो उसी लेवल पर जाना होगा ना। इंद्र के घाट से ऊपर काम करो तो नीचे, इंद्र के घाट से ऊपर आना डायबिटिक लपल जरूर नीचे लिखे बुकारों में लंपट हो रहे थे। अरे भाई उसकी सोचू को तुमको कैसे छोड़ते, आप देखेंगे कहेंगे कि तो क्या आपके दुनिया का खात्मा होगा नहीं है। जिन्हें महापुरुष आए ज्यादातर ग्रस्त आश्रम में आए, मगर उनके ग्रस्त आश्रम वो नहीं जो हमने बना रखा। शास्त्र मर्याना क्या कहती है कि जब जब औलाद की खास चीज को बस बड़ी बेशकीमत की जाए, 40 कप्ते घी के एक कप्ता खून का बनता है, 40 कप्ते खून के एक कप्ता मिर्च का बनता, 40 कप्ते मिर्च के बनकर एक कप्ता चीनी का बनता, चीनी भारी चीज। इसको अगर रबत में रखो तो उनको किसी खराब की जरूरत नहीं, बड़ी भारी कहानी। महात्मा गांधी ने कहा कि मुझे जब होश आई दम चाची कल मालूम है मैंने धारण किया मैं क्या कुछ बन गया। अगर मुझे इसका पहले पता लगता तो मालूम भी मैं क्या और कुछ बन गया। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा ये चाहिए। शास्त्र मर्यादा से बताऊं बस तो जब जब औलाद की ख्वाहिश हो बस, जब बच्चा पेट में आ जाए, जब बच्चा पेट में रहे जब तक बच्चा पैदा होकर दूध पीता रहे कोई तालक ना, ये मर्यादा से 2-3 साल का वक्त लग जाएगा, ऐसे 2-3 बाल बच्चे हो भी जाए एक नारी चला जाए। शास्त्र मर्यादा से हम क्या करें, हम तो ये सभी तेजी की दुकानों की देखिए नतीजा सेहत है जी। मैं जर्मनी में गया वहां बच्चे भी कुछ स्त्री भी कुछ मर दे करते भी कुछ उसे क्या करते थे तो यही धारण करते। हम कहते हम भी से क्या औलाद है, हम तो करते नहीं वो करते फायदा करते जो करेगा फायदा करेगा। तो काम का कंट्रोल ब्रह्मचर्य की रक्षा जीता है। जिसकी ब्रह्मचर्य की रक्षा है उसका दिल नवाज करिए। हमेशा यहां तक फरमाते हैं कामी कुत्ता 30 दिन मन में रहे उदास, एक बार काम का योग आए हुआ कुत्ते के अंदर 30 दिन उस पर असर करता। अरे जो दिन रहा भी सीधे लग रहे हैं तो पहले तारीख में देखो स्वामी राम से कहते हैं कि वो प्रोफेसर थे, चले मैंने चेक करके देखा कि जिन लड़कों के ख्याल फित्र थे संतान के दिनों वो कामयाब हो गया, लायक लायक लड़के जिनके ख्याल अकुशल थे वो करो। तारीख पर नजर मार कर देखो पृथ्वीराज तो महमूद वाली हमला करके आया उसको पछता कर दिया वापस हो गया, दोबारा फिर आया वो हार गया। तारीख बदलाती है जो उसकी कमर एक लवली ने बांधी या शायद का टीका ध्यान कर रहे नेपोलियन बोनापार्ट जिसके नाम से यूरोप रहता था, जब वाटरलू के मैदान में पकड़ा जाता है कैसे पहली रात इसे सुनी नहीं गिर ये क्यों पेश की जा रही, बस शौक सीखो जो करे इससे फायदा उठा
तो जिसका मकान की बुनियाद ही ठीक नहीं, शादी हुई दो मिनट कमर कुबड़ी है, हाथ में शीशे हैं, गायदे दाते के धागे पाएंगे। अगर आप जीवन की ब्रह्मचर्य की रक्षा का दान सबक आज ही से सीख लो, आधे दाते उठ जाए। पहले पहले काम को इस तरफ प्रभु को पाना है ना, ब्रह्मचर्य जिंदगी है। Chastity is life and sexuality is death. दूसरे क्रोध, काम में रूप गिर क्रोध में रूप फैलती, क्रोध की आगे सहना है ईर्ष्या द्वेष निंदा चुगली धड़ेबंदी दुश्मनी बखी। जब तक जब लग धारे कऊ बैरी नीत तब लगने चल रहा हूँ, जो सुख फैलाओ मन फैलाओ में जा रहा है वो यक्षु कैसे होगा। यक्षु तब हो जो गिरने से हटे और फैलाव से कहते दो चीजों से बचो, किसी को बुरा चिपुन हो, सबसे प्यार हो, सबकी हमदर्दी हो। फिर कहते काम क्रोध मद लोभ विकार, मद मद कहते नशे को। मैं आनंद, मैं अमीर, मैं हाकिम, मेरे जैसा करो, हर एक अपने अपने जोर में बाहर जाते, वो भी कभी हकीकत खुद ही का। ये यहां देखो ह्यूमिलिटी निम्रता प्रभु के पाने के लिए पहला कदम। सेंट अगस्त तो कहते हैं कि तीनों कदम है निम्रता है। पूछा कि परमात्मा कैसे मिलता है, फरमाने लगे फर्स्ट ह्यूमिलिटी, सेकंड ह्यूमिलिटी, थर्ड ह्यूमिलिटी। निम्रता और तभी किसी महात्मा के पास भी आ गए, अगर निम्रता रहो तो कौन जाता है, और जाओ भी तो वहां भी अकड़े करके बैठे रहो। ये ठीक है फैला भी कैसा फैला गंध कैसा फैला प्रतिशत परख पर कर फैलता चला जाए, ये भी खाली आ गए। जो पहला सराय के नीचे होगा वो भर जाएगा, जो सराय के ऊपर है अगर कोई चीज मिल भी जाए फिर भी उसका मद न हो। बख्शिश है उस मालिक की, उसने दी एक खजानची है, वो खजानची मुकर्र हो गया कोई आदमी, उधर लाखों रुपए आते हैं वो अमानत है उसके पास। ऐसी अगर व्यक्ति बन जाए जिस साफ और फल पड़ जाता वो दुख का जमीन के साथ लग जाए तो मद को छोड़ते दुनिया सारी। आप देखिए हम कहाँ आड़े बैठते, वहां कुछ बड़े बुढ़ा गड़बड़ थे, वो खोल खोल कर बयान करते हैं हम कहाँ जितना जकड़ गए कैसे कैसे फलते पड़े गिर रहे थे। फिर कहते लोग निवारो, लोग कहते हर किस्म का लोग, खाने पीने का लोग, इंद्र के भोगों रसों का लोग है, रुपए के पैसे जायदाद इकट्ठे करने का लोग है। लोग की खातर लेक्चर कथा ज्ञान भी लोग में शामिल हो गए, माफ करना निखड़े हुए चिन्ह लेक्चरों की कीमत बन गई बड़े आलू खाजा की जी इसका 500 रुपया दोगे तब आ जा, इसको 1000 दोगे तब आ जा, दो दिन लाने के लिए 10,000 खर्चा ही है। मुझे किसी अभी आए कि कितना खर्च होगा आपके आने का, मैंने उनके तो मेरा खर्च तो कुछ नहीं, आप वहां देख लो लोग आए गए कि क्या कर सकते हैं। तो लव लालच में आके इंसान जमीन फरोश बन जाता, सच सच नहीं कह सकते, उसको जाति वर्ग है मेरे लिए कैसे आ रहा है, नतीजा क्या है, मन फैलाव में जा रहा है, कुत्ते की तरह हम सब सकते हैं, कहां से पैसे मिलेंगे, बातें वही बनाएगा जो उसके पैसे लाने के लिए मत जाए। तो कबीर साहब फरमाते हैं जो प्रभु को पाना चाहते हैं वो क्या करें, इन चीजों को निवारें, काम क्रोध लब मद लोभ निवारो। कैसे कहते शील धारण करते, काम के उल्टे शील चेष्ट थी, क्रोध का क्षमा कोई इलाज होना चाहिए ना, किसी ने कुछ ऐसी गाली दस है उसको माफ कर दो तब से झगड़ा पास हो जाए, इंसाफ नहीं मांगो तब भी झगड़ा रहेगा, माफ कर। हम लोग कहते जस्टिस होनी चाहिए, अरे जस्टिस में वो जो है ना तो हम बीज वो नहीं मिलता, माफ कर दो तो बहा जाता प्रेम से, माफ कर फॉरगिवनेस शील क्षमा संतोष। संतोष कहते हैं लव लालच जितने हैं जितना मिला है प्रभु जी शुक्र है, दो रोटी खाने को मिली। फकीर कहता है भाई मुझे दो रोटी खाने को चाहिए और आस्थाना लेते तो चाहिए, बस जितनी सिंपल लाइफ होगी उतना सुखी रहोगे, बीजी जाए जितनी खास चार उतने सुखी
जिली खासा ज्यादा थी। एक थोड़ी लेकर गड़ा पानी का रखकर रात गुजार सकता, एक शाही महलों में भी उसको तक नहीं जाता। संतोष जो मिला है शुक्र है भाई। कहीं खड़े होता भी होगा ना, जज जी साहब ने इसी बात को बतलाने के लिए कहा कि जो परमार्थ कामयाब होना चाहते वो क्या करें। शुरू करते हैं मुंडा संतोष, संतोष की मुंडा डाल लो पहले, संतोष हो कहीं खड़े हो तो आगे चलो। जो 100 ले रहा है वो 1000 के पीछे, 1000 वाला लाख के पीछे, लाख वाला करोड़ों के पीछे, मारो मार चला जाता हम सब कुछ। उसको पाखा पाख सब खा, जायज ना जायज की तवीज नहीं रहती। और सच को धारे सच बोलना शुरू करो, थोड़े पापों की मल जाती है। पाप की एक कसौटी क्या है, जिसको करके कोई पूछे तो उसको छुपाना पड़े, झूठ बोलना पड़े, समझो बना पाप। कहते ये चीजें धारण कर लो, जीवन को ऐसा बनो, फिर आगे चलो। खाए नीचे चक्रों का अभ्यास करो तो खाए ऊपर का करो। तो पहला कदम सदाचारी नेक पाप की धारण करो, कोई करे। अरे समाज में इस बात की तालीम, समाजों का कसूर नहीं, ग्रंथों पोथियों का कसूर नहीं, कसूर तो ना बिचारने वालों का। कभी साहब क्या फरमाते, वेद कतेब कहो मत झूठे झूठा सो जो न बिचार। पर प्रचारकों की मेहरबानी हुआ जो लग लालच में फंसे पड़े वो सच कैसे कह सकते हैं, जो मोहताज है जिनकी जरूरियात 100-100 रुपया रोज के खर्च के लिए चाहिए वो क्या करेंगे। आखिर लाखों वाले के पीछे जाएंगे नहीं, गुलाम बनेंगे झूठ, वही बात कहेंगे जो उनको जैसे पैसा जो आ रहे। तो सच्चे आदमी तो भाई हमेशा ही सिंपल लाइफ सादा जीवन, सच कह भी वही सकता जो मोहताज है क्यों कहे। तो कहते ये चीजें पहले दान करो, अगर तुम को पाना चाहते हो अपनी आंखों से। अब उसको कहां देखना चाहिए, इसी महल में। अब महल के कई दर्जे, कई जीने, कई छतें का जो नीचे के चक्र यहां तक फिर आगे अंड ब्रह्मंड पार ब्रह्मंड बार। तो जीवन अगर चलने तो किसी चीज में आपको कामयाबी नहीं आती। तो ये पहला कदम, कैसी समाज में रहो, कोई साधन करो, सिद्धि नहीं हो। काम क्रोध मन लोभ विकारो, शील संतोष क्षमा सात धारो, मध्य मांस मिथ्या ताज डारो, हो ज्ञान घोड़े अगर उसका अनुभव तुम ज्ञान का अनुभव करना चाहते हो तो कुछ और भी साथ करो। ये एक सदाचारी जीवन साथ खाने पीने का रहे। याद रखो परमार्थ कामयाब होने के लिए तीन चीजें जरूरी, व्यवहार शुद्ध हो पहले, फिर आहार शुद्ध हो, फिर आचार शुद्ध। अगर हमारा व्यवहार ऐसा जिससे लोगों का खून निचड़ा चढ़ा रहा है, मुझे ऐसा ऐसा कैसे प्रभु को पा रहे। गुरु नानक साहब फरमाते हैं, जे रत लगे कपड़ा जामा होए पलीत, जो रत पिए मानसा तिल क्यों निर्मल। जो कहते हैं खून को कपड़े को खून लग जाए ये पलीत हो गया, अरे जिस हृदय में खून निकला पड़ा है लोगों का वो कैसे प्रभु को पा सकते, उनका मन निर्मल कैसे हो सकता। मन निर्मल ना हो तो उसको पा कैसे सकते। फिर क्या कहते हैं, नानक नाम खुदाए का दिल अच्छे निकले, अगर प्रभु का नाम लेना तो दिल को साफ करके। अब जो आगे दिल्ली के झूठे दुनिया के लोग झूठे हम लोग बनाए, जीवनी ने एक बात नहीं, 1000 राम राम करो क्या कहो। लसे राधे प्योर इन हाउस फॉर देशक की बात, जिनके हृदय पित्र हैं वो मुबारक हो, कि केवल ऐसे ही हृदय को प्रभु को दे। आप सब खाने पीने का भाई भगवान कृष्ण जी ने गीता में निर्णय किया, खुराक तीन किस्म की खुराक बतलाई, तामसिक राजसिक और सात्विक, और सात्विक खुराक के लिए सब्जी दी है,
सात वो खुराक किसको कहते हैं, फल सब्जियां अनाज दूध मक्खन घी वगैरह। तो ये कह रहे हैं दो चीजों का परहेज बड़ा है। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा का सवाल आगे आ गया, तो लोग का सब सदाचारी जीवन का जिक्र आ गया। आगे कहते खाने पीने का भी परहेज चाहिए और मद जितने नशे वाली चीजें उसका भी परहेज। उसके दो कारण है, जैसा हम तैसा मन। कई बार इस ख्याल से तामसिक चीजों का या राशि का करते हैं जिन्हें खाने मांस मछली अंडे आदत ये वो चीजें हैं जो पैशंस को उभारती, इसीलिए खाते हमें नॉर्मल जीवन से हमने इन पर कब्जा पाना है। जिसको मिटाना है उसी को बढ़काता चला जाए तो कैसे बढ़ता हो, इसलिए साथ को खराब मछली हो। तो मांस मछली अंडे आदत का सही है राशि काम से सात उपराल बन। कई बार ख्याल से कहते हैं किसी ताकत आती है, अरे भाई हाथी क्या खाता है कि नहीं साज और जानवर तो जाति खाता है। आज तो वही चीज तानस कुछ ठीक इंडिया में हुई थी पंद्रह दुनिया तो छोड़ रहे थी केवल लाइफ डाइट है जिंदगी देने वाली है। मांस मछली से ज्यादा ताकत आती है, हम उसी भूल भी जाते सब महापुरुषों ने इस पर तहकीक की। मैं वेस्ट में गया वहां उनको पेश किया कि क्राइस्ट ने कहा क्या टेक मिल्क एंड वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फॉर मी, ये चीजें इस्तेमाल करो। तो जहां फिफ्टीन ये चीज काम से मुझे चिट्ठी आई कि आपने ये कहां से दिया था, मैंने वो किताब का अक्सर भेजी। हनुमान मुसा से पूछा क्या करना चाहिए खाना चाहिए, वो चले लै में खुद खुद न लै में दीजिए अपना गोश्त खास रहा उनको। तो सारे महापुरुष जो गए हैं वो तो सब यही कहते मुसलमानों में जब चिल्ले काटते हैं गोश्त खाने का भय, मगर हम खाने पीने के हवस मारे चले। अरे भाई जो प्रभु को पाना चाहिए उसको खाने पीने का भय निहाली हो, व्यवहार शुद्ध हो, जो खाते हो वो शुद्ध हो, सात्विक हो, जिन हाथों से वो चीजें आती है वो भी शुद्ध हो। काम हाथों से चीज पकी आएगी तो उनके काम के बाहर देगी। रोजी ईशा बैच के आदमियों के हाथों से खाना पककर आएगा तुम्हारे में ईशा बैच बनेगी। हमको क्यों नहीं मालूम होता, यहाँ आगे मनो महल बड़ी पड़ी और एक सर बढ़ गई तो क्या। ये उनसे जाकर पूछे जिनके बिल्कुल हृदय ने जरा सा एक माचा ऊपर नीचे होने से गड़बड़ होती, तो खाने पीने का बढ़े और मद का भी जिक्र किया न छोड़ सकते। हमारी आत्मा चेतन है, इसे और ज्यादा चेतन होना। तो जिन चीजों के इस्तेमाल से हमारी होश बिगड़े हम होश से बेहोश हो, वो जितनी नशे वाले थे या तालीम जी कभी सब बेगर और सारे महापुरुष ज्ञान से, तो कहते ये है जो आत्मा प्रभु के पाने वालों के लिए। अगर गुरु जी से फायदा उठाते थोड़ी सी सेटिस्फाइड क्या, देखिए छोड़ दो परमात्म के किनारे रह लो। खाली अगर आप ब्रह्मचर्य की रक्षा करें, ख्याल आप नेक पाक हो, पित्र हो, सदाचारी हो, लोगों के लिए दर्द रखता हो, दुनिया आपके पांव के नीचे आंखें बिताए, मगर जन मन की रिहाई आत्म तत्व के बोध से है। इसकी भूमि हर एक चीज की कीमत है, मगर ये सबसे बड़ी नीति की कीमत। तो संतों की तालीम निरोल परमात्मा, न ये सामाजिक है न पुलिस है। ये नहीं कहते कि सेवा न करो, करो निष्काम सेवा करो, अहिंसा को धारण करो मन करके वचन करके और कर्म करो, सत्य को धारण करो झूठ परेज तराबाजी रयाकारी कपट चोरी से बचो, ख्यालात को नेक पाक बनाओ। क्राइस्ट तो कहता है एक बार अगर एडल्ट्री का ख्याल तुम्हारे जिसमें आया तो समझे विवाह को मिट जाए 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 तो चल गए कि नहीं। सबके अंतर परमात्मा की किस्मत हो, पापी से भी गिरना उसके पाप से तो गिरना हो, एक ही सिंह बट लग गई सिंह वो उनके सिंह कैसे दूर, अगर तुम नफरत करने लग गए उनका सिंह क्या प्यार से समझा, फिर जिस काम से न करो जबानी जमा खाते न हो, जो भूखा है उसको बांध कर खाओ, जो दुखी है उसके दुख बांटो, तन करके धन करके और मन करके शुभ भावना रखो। ये है सदाचारी की, ये है जो आत्मा।
जितना हृदय साफ करके करोगे थोड़ी देर का भजन तुमको आत्मानुभव होगा। जब भी महापुरुष आपको नाम देते हैं ये पहला नहीं करोगे तो रुक जाओ। ये बात लोहालमा ध्यान आगे आप फिर का ध्यान करेंगे, नीचे से करोगे और उनको गौर से चलिए। धोती ने टी बसी पावो आसन पद्म जुगत से लाओ। कहते हैं पहले प्राणों का संयम है ना, प्राणों के संयम के लिए नेती धोती और बस्ती के साधन करने पड़ते हैं। नेती कहते हैं नाक से ऊपर लगता चोरी होती है उसे साफ करते जिन्हें बैगन ऊपर से साफ करते, धोती से आंदे साफ करते कपड़े तीन उंगल तैयारी करते हैं सारी खिलाफ इंद्रियों को साफ करते बस्ती नीचे अनिमा संजय जिसम को क्योंकि प्राणों का सिस्टम है इसलिए इनको साफ करना जरूरी है। फिर हाथियों की क्रियाओं से हृष्ट पुष्ट बना ये पहला चरण, क्योंकि प्राणों के संयम के लिए कुंभ करना पड़ता उसी जब तक जिसम बिल्कुल साफ न हो खुराक का खास संयम न हो तो कर नहीं सकते, नहीं तो रिएक्शन नहीं कर सकते पागल हो जाता है। उसके लिए सब चीजों का इस्तेमाल करें कहते फिर पदम आसन सिद्धार्थ में पदम आसन जो वो लगाकर जाए। अब नीचा चक्र ध्यान करने लगे जो अपराध जो शिष्य लाभ शिष्य धंधे के खेल चक्रों तक है उनका जिक्र करने लगे। उनके ये लाजमा जो नेक पाकी का है वो तो दोनों के लिए नीचे में सिद्धि हासिल करने के लिए नेक पाक है। अंतला बिल्कुल साफ करके नेती धोती और बत्ती के साधन से पदम लगा हाथ लगा कर बैठे कुंभक कर रे चक करवाओ ऐसे मूल सुधार कारज हो सारा है। जिसमें छह चक्र है एक गुदा चक्र तो उसमें क्या करना है घुमाते हैं अब सासों का पूरक कुंभक और रेचक सासों का भरना रोकना और निकालना इसे संयम के साथ चार माता क्या सोलह माता के है संस्कृत बाकायदगी से फिर कुंभ को बढ़ाते चले जाए। ये कुंभ बढ़ता बढ़ता चले जाए पहले मिनट आधा मिनट दो मिनट पांच मिनट दस मिनट मुझे एक ऐसे जिंदगी में लाए थे शायद दो वर्ष कुंभ को दो वर्ष तो कहते कुंभ सरेचे करने के लिए पहले गुरा चक्र से गणेश चक्र कहा ना गणेश उसका मालिक है गुरा के प्राणों को वहां से लेकर कत्तर होकर ध्यान को वहां टका कत्तर उस चक्र पर क्या करते तो इसका क्या नतीजा है यहाँ पर गणेश की पूजा है अभी ये सिद्धि आपके प्राण में आ जाती है जो करना चाह कर सकती है पहला चक्र काबू कर लो तो इतनी चीज आ जाए। ये स्वार चक्र खट दल विस्तारो ब्रह्म सावित्री रूप न्यारो। दूसरा चक्र है इंद्री चक्र या ब्रह्म चक्र को जिसका क्रम पैदाइश का आगे पैदाइश पता है इंद्री चक्र से होती ब्रह्मा और सावित्री दो ताल से मेरे सिंह मेरे साथ साथ कहते फिर दूसरा चक्र यहाँ पर तो प्राणों को समेट कर वहां लाओ तो दोनों को इससे आगे चलो दल बदल के ऊपर चलो। उलट नागिनी का सिर मारो तां शब्द ओंकार दूसरे चक्र का हिजन का जाप करते यहां से मेरे कुंडली जगह नहीं पड़ती ऐसा मुख उल्टा है उसको सीधा करना तो वो फिर पीछे चढ़कर ऊपर आके जाकर खुलती है बड़ा सख्त आकर बड़ी गर्मी से निकाला करता इससे ऊपर आकर ओंकार उजाड़ कर पीछे में करना ये फिर से चल रहा क्रियम ह्रियम आ ओम ये जप होता है साथ थोड़ा दे दी जो करते डिटेल के लिए थोड़े सारे दे दिए यदि इस तरह से योगी जन नीचे चक्रों को तय करके फिर ऊपर आता
ना भी अष्टकमल दल साजा शेष सिंहासन विष्णु विराजा। ना भी चतुर आगे आ गया, यहाँ ये विष्णु पालन करता है, इनमें वही चीजें रखी हैं जो ब्राह्मण में रखी है, जो ताकत पालन उसको विष्णु कहते हैं। यहाँ पर आठ दल का कम पहले दो दल चार दल फिर आठ दल ऐसे चलते हैं। उसमें मुख्य दल के अपने अपने प्रकाश होते डिटेल महात्म जो नीचे करते समझा दे। हिरिंग जापता सुमुख गाजा लक्ष्मी शिव आधारा। चौथा चक्र वहाँ लक्ष्मी का बात, विष्णु और लक्ष्मी कथी होते हैं। तो जो इस चक्र को तय कर ले उसे ये सच्चा से ज्योति मर्जी पैदा कर ले, कबेर भंडारी बन जाता, ख्याल किया सीधी हम तो ये इस तरह से नाभि चक्र तक आ जाता है। मुदा चक्र इंद्री चक्र और नाभि चक्र आगे द्वादश कमल हृदय के माही जंग गौर शिव ध्यान लगाई। अगला चक्र हृदय चक्र, इसमें शिव भगवान प्राणों का निर्धार यहाँ पर मार कर तो चक्र चले आए, पहला दूसरा तीसरा चौथा हृदय चक्र था। जो हृदय चक्र में आ जाए तो आसमान में उड़ सकता, जिसे ये सिद्धि कर लियो हवा में उड़ सकते जहाँ चाहे जाते। आपने सिद्धियों को मतलब सुना कि मुंह गुटा रखे आसमानों पर उठते, तो ये इन इन चक्रों को तय करके अपने अपने ख्याल मिल जाते। मर मुक्ति कुछ और है तो हम शब्द तहां धुन छाई गण करे जय जय कार। यहाँ पर तो हम शब्द का जाप करते हैं, तो हम हिंदू पर चक्र लगाते मुसलमान फकीरों में भी हिंदू होगी। मैं आदर निजामी से यहाँ मिला कई साल हो गए, वो हिंदू चक्र का जाप करते लाल देश बयान करते थे, उसमें सोहम का जाप हक 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 का कहते इसे चलते हैं। खोड़श कमल कंठ के माही ते ही मध बसे अविद्या बाई। कंठ में शक्ति यहाँ पर सोलह कमल चल रहा है, चार आठ बारह सोलह अरे दो से चलते दो चार आठ और बारह अब सोलह ये यहाँ का आगे है। एक और चक्र तो ये पांच हो गए, पांच ही चक्र बाकायदा रू और क्रम दोनों को समेत करता सकता बड़ा लंबा मार्ग। मैं इसी केस में रहा, मुझे एक आदमी सिर्फ मिला जो फिल्म से उपर जाए आगे से कपड़ा एक बार ऐसी तो मजबूर है गाने बजाने का सवाल नहीं। हरि हर ब्रह्मा चार ढुराई जहाँ श्रृंग नाम उच्चारा है। श्रृंग नाम का जाप होता है जो योगी जन करते हैं इस चक्र को सिद्ध करके फिर ऊपर आते। तापर कंज कमल है भाई बग भौरा दो रूप लखाई। कंज कमल आगे के मतलब जिस आगे चतुर्व्यास तक गुप्त स्वेद की जो कहते यहाँ पर सफेद उनका प्रकाश सफर करती है। तरह की ज्योति का विकास होता है, दुनिया का कोई जिक्र नहीं किया, दुनिया कैसे आगे होगी रहने की दुनिया आगे जा रही होती। यहाँ तक तो ये योगियों का मार्ग दर्जा से का जो बड़ा डिटेल से ये कर दिया है, अब अपना मार्ग ध्यान करेंगे संतों का मार्ग। संतों ने क्यों छोड़ा नीचा मार्ग सवाल लिया, वो ये कहते हैं अगर आप दरमियानी छत में बैठे हो क्या ये अच्छा नहीं वही सिमट कर ऊपर चल जाए बजाय कि फिर नीचे आकर पहला सिद्ध करो दूसरा करो तीसरा करो चौथा करो पांचवा फिर यहाँ। और दूसरे वो लंबे साधन जो प्राणों से किए जाते हैं वो आजकल हम कर नहीं सकते, ये उन दिनों में शुरू हुए थे जब कहते हैं सतयुग था एक लाख वर्ष उम्र थी। अरे जब एक लाख वर्ष उम्र थी तो ये भी आता है कि सात हजार वर्ष विश्वमित्र ने तप किया, साठी हजार शरीर किया कर दिया होगा लाख वर्ष में, वैसे में दस हजार साल रह गए
द्वापर में एक आधार साल लगी कलयुग में आज तो 50 साल से ऊपर जाता कोई नहीं। वो साधन जो उन जमानों में किया जाता से आज हम कैसे कर सकते, संतनी के प्राणों के शिक्षण को छोड़ एलिमिनेट कर दिया ताकि जीव निर्बल है वो खाएगा उनके प्राणों को। वो क्या कहते ये भाई प्राणों के संयम, प्राण अपना काम कर रहे हैं, प्राणों का अपना काम है, आत्मा का अपना काम है। सांस चल रहा है, रजा हजम हो रही है, खून बहरान कर रहा है, बाल उग रहे हैं, नाखून बन रहे हैं, ये सब प्राणों का काम हर वक्त हो रहा है, हमें कभी रुकावट तो नहीं होती। कहते हैं ना नहीं करने से तो सारे काम तुम कर सकते हो, परमात्मा को क्यों नहीं कर सकते। परमात्मा का अनुभव तो आत्मा ने करना है, न प्राणों ने, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने। इन्हें उन्होंने प्राणों के संयम को छोड़ दिया। ये लोग यहाँ पर योग मत और संतों का मार्ग इख्तलाफ है। ये एलिमेंट्री स्टेट है, वो हर स्टेट है, तो इख्तलाफ भी कोई नहीं। ऊपर जाने के लिए सिंप्लीफाई कर दिया कि हर कोई फायदा होगा। कौन का मार्ग वेयर दी वर्ल्ड फिलॉसफी एंड देयर दी लिविंग स्टार, नीचे इंद्रियों से ऊपर आकर ये मार्ग शुरू होता है, नीचा इंद्रियों के घाट से चल रहा है। अब आगे अपने मार्ग का जिक्र करेंगे, जिस मार्ग को संतों ने दिल्ली में प्रचार किया, सिंप्लीफाई करके बच्चे को बैठाए, वो भी ज्योति जो वो भी पिंती ऊपर आ जाए। चक्रो का मैंने अभी अर्ज किया था कि मुझे ऋषिकेश में मैं हर एक महात्मा से वहां मिला, बुद्धि के बड़े पहलवान थे, इंटेलेक्चुअल रेस्लर मरा, प्रैक्टिकल आमिल एक आदमी मुझे मिला जो पतंजलि योग करके पिंती ऊपर आ गया। उसके ये खासा था कोई आया नहीं उसका था, सिर्फ अपने हाथ में बंदा पता करते करते शौक जाते उसके वही क्योंकि जब रहता था जब दूर से देखा तो उठ खड़ा हुआ। उन्होंने कहा मैं आज अजीब बात है लेकिन वो उठ खड़े मेरे मेरे आदमी वहां से बैठे बात ही वो पता है तुलसी ऊपर जाती। अब शराबी भाव करने शराबी का भी क्या होता तो पिछाड़ देता दूसरे को पिछाड़ देते आलमों को ये काम देते। तो ये प्रैक्टिकल मजबूर है, ये योग मत है, फिर चक्रों के लिहाज करके फिर जमाना वी आर नॉट से आदम तो जरूर है जो हम न कर सके थे तो संतों ने इसलिए इसको सिंप्लीफाई सादा कर दिया, प्राणों को छोड़ ही दिया, सिर्फ आत्मा की धारा को लेकर एकत्र करके खुद मदद दे देते हाउ टू डू इट आगे चल किसी भारी बस की जो मन है देख निज मन करत कहाँ ठकुराई सोन न पिछवाड़ा है। दो बड़ी बात यहाँ पर निज मन तुम्हारे साथ हिंदी मन यहाँ खाती निज की डायग्राउंड अंडी मन सहमंदी मन निज मन कहो यानी यहाँ से उसका आगे खसारा शुरू हो। अब यहाँ आ गया, अब संतों का मारा जा गया। गौर से सुनिए तमलन भेद किया निर्वाणा ये सब रचना पिंड मंझारा। कहते हमने ये सारी रचना आपको खोल कर ध्यान कर दी कि कौन कैसे कैसे कहाँ कहाँ है, क्या क्या प्रकाश है, क्या क्या जापत है, कैसे पदमार दंड लगाकर प्राणों को समेत कर दी रू ऊपर आ गई। कहते अब आगरा मार्ग से ये तो हो गया ये सत्संग कर सतगुरु सिर धारा वो सतनाम उच्चारा है। आगे के लिए भाई किसी सत्य उपस्थित की जरूरत है। हर एक इंसान अपनी जितना पढ़ा उतनी पढ़ा सकता है, जो नीचे चक्रों का उत्ताद है गुरु वो नीचे चक्रों का प्रसाई कर। मैं अजम निजामी से यहाँ मिला बात में जब ऊपर के इशारा दी तो किसी चाय हुए थे बम्बे से चले भाइयों सुनो आज मैं वो बात सुना जिसकी मुझे सारी उम्र तलाश थी। हरी चक्र में सिद्धि है पर ये चीज और ऊंची है। तो कहते हैं इसके लिए कि सत्यूप करो जो सत का बहुत चीज बनो जो इंडन ब्राह्मण के बाहर सत लोग सत्संग की सिखाई देता है ऐसी की शोभत करो उसी की शोभत करना आप सकते। अगला बे तो वही देगा जो जहां पहुंचा वहां तक पहुंचाएगा फायदे की बात है। चक्रों का लिहाज करता है वहां तक पहुंचाएगा जो दूसरे करे दूसरे का तीसरे का तीसरे चौथे का चौथे पांचों का पांचों जो छेवे चकल वो छेवे तक लगा छेवे से आगे तो नहीं ले जा सकेंगे। तो कहते वो नाम जो सत्य है सत्य नाम के आधार पर आगे दुनिया है जहां पर सत्य नाम सत्य जो है चलता नीचे सिर्फ ज्योति का लगा उनको दोनों की धारे दोनों चीजें चलिए सत्संग चाहिए। सत्संग किसको कहते हैं
जय सदगो तय सत्संगत बढ़ाई जो सत्का स्वरूप हो गया उसका नाम सत्संग शोभत का नाम सत्संग सदगुरु की तारीफ भी है। फरमाते हैं कि जो सत्पुरुष जिन जानिया सदगो जिसका नाम इसके संग सिखो नाम कर दिया जिन्हें सत्पुरुष सतनाम को जान लिया उसका नाम सदगुरु ऐसी की शोभत न तुम हो सके किसी को पास सत्पुरुष को पास जो पहली पढ़ाएगा जो दसवीं पढ़ाएगा कहते आगे ऐसी हस्ती की जीत है जो सत्पुरुष कम्मा उसकी आंख कान मुख बंद कराओ अनहद झींगा शब्द सुनाओ। यदि हमारी सोच बाहर दुनिया में फैल रही है इंद्रियों के घाट पर अब इंद्रियों में से तीन इंद्रिय बड़ी प्रबल बाकी भी हैं मगर तीन बहुत प्रबल एक आंख की इंद्रिय एक कान की इंद्रिय एक जबान की जब आंखों को बंद कर लो बाहरी संस्कार 83% दुनिया का बंद तो सिर्फ आंखों से रस्ते आते 14% कान से 3% औरों से क्या दोनों से सुन लो बाहर देते अंतर मुख इंद्रियों को इन्वर्ट कर लो बाहर से कट ऑफ कर क्या होगा जनता हो तो वहां दिल्ली सुना दे अनंत की दिल्ली सुनाई दे प्रणु की ध्वनि जारी होगी सच्ची मार जिसको कहते पंचनाद करके जो गीता में भी रस रच लिया बराबर लोगों की कमी के सोच है जिसकी हमें समझ नहीं आ रही बात से लफ्जों की तस्वीरें बड़ी कर देंगे जो हकीकत के नाशनाश होने के सबक से हकीकत समझ में नहीं आती है सब महापुरुष ने इसका जिक्र किया जहां जहां तक वो गए वहां तक जिक्र करते सब आदमी गए हैं मैं करूंगा जो जहां तक गया वहां तक का जिक्र कर गया अरे भाई जो पृथ्वी ऊपर जाता है पहली से जाए दूसरे जाए तीसरे हमारे लिए तो काम ले जिक्र है कम अज कम लोगों को ये पता है कि पृथ्वी ऊपर जाने वाला मार्ग सत्य है और जा सके उसको मौत का खौफ तो नहीं रहेगा ना कंपैरेटिव वैल्यू तो अलग है सवाल है तुमको कहां पहुंचा कहां ना पहुंचे अरे भाई चलो देखो कहां पहुंचा उसके रस्ते से कहां तक मिलती है इसको तो बड़े प्यार से समझा है इसके लिए क्या बात जो वित्त के फैलाव में अंतर मुख ये कैसे होगी सदगुरु के तौर से सदगुरु मिलिए उल्टी रही बात जीवत मरे सांबूझ पाए जो सत्रु पति वो कहते कैसे इंद्र को अंतर मुख कर सकते बाहर देखते अंतर देखो अंतर की आंख खोलते ज्योति का विकास करते बाहर से कानों को हटाओ अंतर के कान खोलेंगे यानी झीला खोलेंगे बाहर के रसो पसों से हटो अंतर वो महारस आए अमृत रस क्यों आप लोग झटता उसके पीने वाले जी पहला ये संतों की तारीफ यहां से शुरू होती और उसके तीन लोग केशव बंदो गोश बंदो लभ्य बंदो गप न दीवी सिरे हम बंदो आंखों को बंद कर लो कानों को बंद कर लो लबों को बंद कर लो कहते फिर तवज्जो को अंतर्मुख करो अगर हकीकत न खोले मुझे हंसी कर बड़ा डेफिनेटली यहाँ पाकिस्तान में गया वहां मुसलमान कई मौलवी शैली मिले मैंने कहा भाई ये इनमें सीना है तुम्हारे अंतर अंतर नूर है कहते प्रगट कहा कहते ये तो छठो खुदा का नूर प्रगट हो तो यही सच्ची में बाहरी समाजों का तर्क जिसम से है जिसम से ऊपर आकर कौन सी समाज आ जाए समाज स्कूल और कॉलेज है जिसमें हम दाखिल हुए थे हकीकत को पाने के लिए जिसमें दाखिल होकर हमने इसको पा लिया हमारा समाज भी मुबारक हमारा जिसम पाना भी मुबारक अगर ये नहीं पाया तो जन्म बर्बाद करें।